लोग अभी देख के आ रहे हैं उनको सबको बहुत ही अच्छी लग रही है, सबके सबको मिल रहा हूँ तो वो लोग बोल रहे हैं जिस तरह से लिखी गई है, जिस तरह से कैरेक्टर्स को दर्शाया गया है, सब लोग बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्सेज, आई एम रियली हैप्पी, बहुत 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 खुश है। बहुत ही चैलेंजिंग थी बट हम लोगों ने चैलेंज को बहुत ही पॉजिटिवली ले लिया, और जब प्रेशर के अंदर आदमी हो और प्रेशर आप पॉजिटिवली जब यूज़ करो उसको तो आपके काम में उससे मदद ही होती है। तो आई वुड से कि पहला प्रोजेक्ट था काफ़ी प्रेशर भी था लेकिन हम लोगों ने उसको अच्छी तरह से प्रेशर को चैनलाइज करके आई थिंक वी डिड ओके। यार बहुत बढ़िया रिएक्शन है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हर एक एक्टर को बोलना पड़ता है कि बढ़िया रिएक्शन मिल रहा है, वाकई अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। मेरी 6 फिल्में की हुई हैं, 9 फिल्में की हुई हैं, 6 रिलीज़ हुई हैं, ऐसा रिएक्शन मेरे कभी फिल्म के लिए नहीं आया है, तो बहुत बढ़िया रिएक्शन है और मैं काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि एक नया स्पेस है और मुझे लगता है कि ये फ्यूचर है, इंडस्ट्री का फ्यूचर है, तो अगर अच्छे शोज़ बनेंगे ना तो और क्या चाह मिल जाएगा जल्दी। अरे यार मैंने आर्मी का नाम सुना और मैंने तुरंत ही साइन कर लिया था शो, क्योंकि मुझे एक आर्मी का भाग बनना था बचपन में, ये सपना था, मैंने कहा फिल्मों में पूरा कर लूँगा मैं, तो आया आर्मी का, मैंने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूँ, करते हैं। और बहुत अच्छे एक्टर हैं यार इसमें, इसमें राहुल देव हैं, निमृत कौर हैं, अतुल कुलकर्णी हैं जो बहुत दिग्गज बढ़िया एक्टर हैं, मैंने जोरा है, भुवन अरोड़ा है, बहुत बढ़िया एक्टर्स हैं इसमें, सो मैं काफ़ी खुश हूँ। और मुझे एक्टर्स ज़्यादा एक्टर्स के साथ काम करना था, क्योंकि जो मैंने फिल्में की हुई हैं वो एक बंदा रणदीप हुड्डा है या सैफ अली खान है या पंकज त्रिपाठी या संजय मिश्रा है, इसमें 4-5 अलग अलग एक्टर्स के साथ काम करने को बहुत फ़ायदा होता है एक एक्टर के लिए, और तराशता एक एक्टर। जी रिएक्शन तो बहुत ही वार्म और बहुत इनकरेजिंग मिल रहा है, ये पहली बार क्या है ना कि 4-4.5 से शायद 5 घंटे की लंबी स्टोरी है, तो उन्होंने अब तक इसका 1/6 ही देखा है, तो उनको जितना देखने को मिला है उतना उनको बहुत पसंद आया, पीपल हैव रियली लव्ड इट। अब आगे के एपिसोड्स लोग देखेंगे कोहेसिवली, सब पूरे 1-10 देखेंगे तो फिर समझ में आएगा कि लोगों को कहानी कैसी लगी, हाउ डिड दे लाइक द जर्नी ऑफ द कैरेक्टर। जी वर्कशॉप नहीं बट फिजिकली प्रेपरेशन बहुत करनी पड़ी थी, क्योंकि द पार्ट इज़ दैट ऑफ एन आर्मी ऑफिसर हु इज़ इन द स्पेशल फोर्सेज, तो एक कमांडो की फिटनेस लेवल कहीं और ही होती है, और मैं कभी एथलेटिक नहीं रही हूँ अपनी लाइफ में, बट फॉर मी इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम टू अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट मैं इतना जस्टिस कर सकूँ कि ये कैरेक्टर मैं दिख सकूँ एज मच एज पॉसिबल, तो अपनी तरफ से पूरी मैंने जितनी कोशिश मैं कर सकती थी मैंने करी, कुछ मैं 4-5 महीनों की ये प्रिपरेशन थी, फंक्शनल ट्रेनिंग से लेकर बहुत सारी चीज़ें जो बहुत अच्छी लगती हैं खाने में वो सब छोड़ना पड़ा, एवरीथिंग वाज अ सैक्रिफाइस, बहुत ही मुश्किल थे पहले 3 महीने, बहुत मुश्किल थे, बट दिस इज़ अ लॉन्ग जर्नी, इट्स बिन विद मी, दिस कैरेक्टर आई हैव बिन विद फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ, तो एक लंबी और एक लॉन्ग, एक बहुत ही आई थिंक इट्स अ जर्नी दैट विल स्टे विद मी फॉर एवर।